हेलो फ्रेंड, आज हमारे पास ये फ़ोन आया आईटेल का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में इसके अंदर जो प्रॉब्लम फ्रेंड FRP का, ठीक है, इसका जो मॉडल है आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैं पहले। इसका मॉडल है आईटेल A4141। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है FRP का प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसकी बैटरी है। तो यहाँ पर मैं इसको बैटरी लगा देता हूँ। बैटरी लगाने के बाद फ़ोन को ऑन करके आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है FRP का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी फ़ोन को रख दिया, अभी फ़ोन हमारा चालू हो रहा है, चालू होने का हम वेट कर लेते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इसकी जो FRP है उसको किस तरीके से रिमूव करना है विदाउट बॉक्स, हाथ से ही करना है, कुछ ही नहीं करना है, कहीं पर भी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, खुद से अपने हाथों से ही करना है। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है FRP का, FRP मैंने कई सारी वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप जाकर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो, ये मेरे पास एक और फ़ोन आया तो इसकी मैं सोचा कि वीडियो बना के आपको दे दूँ। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हो यहाँ पर फ़ोन जो है हमारा बिल्कुल अभी चालू हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो इसके बाद सिंपली यहाँ पर ये नेक्स्ट वाला बटन स्किप का ऑप्शन आ चुका था, यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं स्किप का जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो ये कुछ भी काम जो है नहीं कर रहा। ठीक है, इसके अंदर जो है प्रॉब्लम लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है FRP का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर से आपको एक बार नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ही देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में मेरा वाईफाई आ रहा है, जो कि मैं आपको क्लियर दिखा दूँ थोड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर जो है वाईफाई पूरा क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने वाईफाई पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमको जो इस पर वाईफाई का पासवर्ड दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड देने के बाद जो है फ्रेंड, उसके बाद आगे क्या प्रॉब्लम आता है वो भी मैं आपको पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना वाईफाई का पासवर्ड दे दिया और फ़ोन को अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये चेकिंग कनेक्शन आ गया। ठीक है, तो ये अभी आगे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद दिखा देंगे आपको इसके अंदर जो प्रॉब्लम है FRP का प्रॉब्लम है, गूगल अकाउंट प्रॉब्लम है, जहाँ पर ईमेल आईडी आपको मांगा जाता है। तो ये फ़ोन जो है कस्टमर का है, हमें पता नहीं है क्या इसकी जो है आईडी है, कस्टमर को भी पता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग विदाउट अपने हाथ से ही खोलने वाले हैं ये प्रॉब्लम को, अपने हाथों से ही खोल देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसलिए पूरा क्लियर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड अभी ये चेकिंग कनेक्शन है, यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये अभी प्रोसेसिंग में है, तो आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पर कर लेना। जैसे आएगा तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, तो मैंने वैसे भी FRP भी कई सारी वीडियो बना के रखी हुई है पहले से ही, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं इसका भी जो है FRP अनलॉक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम ले रहा है, पता नहीं चेक कर रहा है ना क्या कर रहा है। आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, यहाँ पे चेकिंग इन्फॉर्मेशन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे ये बढ़ रहा है, जैसे इससे आगे बढ़ेगा आपको आपका जो है जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो दिख जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो इसके अंदर जो ईमेल आईडी मांगा जा रहा है जो कि हमको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ क्लियर, देख सकते हैं वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी बोला जा रहा है, अगर ईमेल आईडी आपको याद है तो यहाँ पर ईमेल आईडी दे देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना, उसके बाद पासवर्ड दें, तो पासवर्ड हमको याद नहीं है ना ही ईमेल आईडी। ठीक है, तो सिंपली इसको हमको बाईपास करना, बाईपास करने के लिए इसको सिंपली बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर ऐड योर अदर नेटवर्क लिखा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिंपली ऐड नेटवर्क, यहाँ पर आपको कुछ भी जो है टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सिंपली इसको प्रेस करके रखना है। जैसे प्रेस करके रखोगे तो आपके सामने यहाँ पर फिर से एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखा दूँ, देख सकते हैं ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 डॉट साइड में यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो नीचे में एक ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर सिंपली क्लिक कर दो। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका जो गूगल है वो चालू हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर गूगल ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नो थैंक्स कर देना है आपको, यहाँ पर गूगल पूरा चालू हो चुका है। यहाँ पर आपको क्रोम सर्च करना है, CH लिख देना, यहाँ पर नीचे में क्रोम आ जाएगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे ना आपके सामने क्रोम आ जाएगा। क्रोम काफ़ी अच्छा इसके अंदर जो फ़ोन के हर फ़ोन के अंदर रहता है, काफ़ी अच्छा यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छी ये क्या बोलते हैं भाई एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको एक APK डाउनलोड करना है जिसका नाम है गूगल अकाउंट मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है गूगल, इधर नीचे में लिखना है अकाउंट। जैसे यहाँ पर देखते हो गूगल अकाउंट मैनेजर आ चुका है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने गूगल अकाउंट मैनेजर काफ़ी सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे नीचे में आ चुका है 6.01 है, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा देख सकते ऐसा आ गया, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करने के बाद नीचे में आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ये 7 या 8 MB की फाइल है, तो इसको सिंपली फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ही आपको जो है फिर से आगे दूसरा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख सकते हो ब्लू लिंक में लिखा हुआ आ रहा है
हेयर, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपडेट परमिशन मांगा जा रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। देखो पूरा कंप्लीट दिखा दूँ मैं आपको, अपडेट परमिशन आ रहा है, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो सिंपली यहाँ पर आपको जो अलाउ कर देना, जैसे अलाउ करोगे तो नीचे में डाउनलोड के लिए ऑप्शन बोला जा रहा है, तो सिंपली इसको ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे ना तो ये अपना ऑटोमेटिकली आपको जो APK वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो APK मेरे डाउनलोड हो चुके हैं, सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सेटिंग बोला, सेटिंग पे चले जाते हैं और अननोन सोर्सेस को ओपन कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये अभी ऑफ है, तो इसको सिंपली ओके कर देना। ऐसे ओके करके सिंपली इसको बैक कर लेना। बैक करने के बाद फिर से इस पर क्लिक करना और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना आपको। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन नहीं दिखेगा, डन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट अभी कर लेता हूँ। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ही आपको डन का ऑप्शन जो है आ जाएगा, ठीक है। देखो डन का ऑप्शन आ चुका है, ओपन का ऑप्शन हाइड है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपली इसको बैक कर देना, ठीक है। यहाँ से मैं फिर से बैक कर लेता हूँ, फिर से बैक कर लेता हूँ, अपने गूगल पे चले जाता हूँ, ठीक है। इसको फिर से यार मैं पूरा बैक हो चुका, तो फिर से मैं क्रोम को सर्च कर लेता हूँ। अच्छा क्रोम पे ही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमको लिखना क्विक शॉर्टकट मेकर, जो कि आपको पता है मैंने कई वीडियो में बताया हुआ आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखना आपको क्विक शॉर्टकट मेकर, यहाँ पर आपको लिखना भाई क्विक क्विक एस, तो यहाँ पर नीचे में आ चुका है क्विक शॉर्टकट मेकर APK, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन सब आ जाएगा, तो आपको किसी को भी डाउनलोड कर लेना। जैसे यहाँ पर नीचे में आ गया तो मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी कोई सा भी डाउनलोड कर लेना जिसमें आपका काम निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पर डाउनलोड APK ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो अभी आपको वैसे ही जैसा आगे में ले गया था, यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर देना है। ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो हो भी चुका है। और सिंपली इसको हम ओपन कर लेते हैं। जब जैसे ही ओपन करेंगे ऊपर वाले पे क्लिक करना है और इसको भी हमको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो मैं इंस्टॉल इसको पहले कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इसको ओपन कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ चुका, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर ऊपर में आपको लिख लेना है गूगल, यहाँ पर लिख देना है आपको गूगल, गूगल लिखना है अकाउंट। जैसे गूगल लिखोगे ना तो आपके नीचे में देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है गूगल अकाउंट का, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये बैक वाले को बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टाइप ईमेल एंड पासवर्ड, देखो नीचे लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद बीच वाले पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे बीच वाले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ऐसा ऑप्शन, तो यहाँ पर देखो थ्री डॉट दिखा, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्राउजर साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे करोगे ओके यहाँ से कर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको जो है टाइप कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, तो मेरे पास एक ईमेल आईडी है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर देता हूँ, तो आपके पास भी जो भी ईमेल आईडी है आप उसको यहाँ पर जो है टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेरी ईमेल आईडी है मैं इसको टाइप कर देता हूँ। आपको भी कोई एक नई, अगर आपके पास कोई भी ईमेल आईडी है तो आपको टाइप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को टाइप कर देना है। उसके बाद सिंपली जो है आपको नेक्स्ट को पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ से फिर इसको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो पासवर्ड के लिए मैं अपना जो है थोड़ा सा आगे इसको कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड दे दिया, आपको भी अपना पासवर्ड दे देना। उसके बाद सिंपली यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक प्रोसेस चलेगा, देख सकते हो यहाँ पर ऐसा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर ऐसा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसा प्रोसेस आ गया, उसके बाद सिंपली आपको फ़ोन को यहाँ से जो है ऑफ़ कर देना है। देखो यहाँ पर साइड में जो ऑन वाला बटन रहता है उसको प्रेस करना है। उसके बाद अपने फ़ोन को जो है आपको रिस्टार्ट कर देना है। देखो यहाँ पर रिस्टार्ट में मैं क्लिक कर देता हूँ,
इसके बाद यहाँ पर सिंपली ओके का ऑप्शन आता है तो ओके मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो फ़ोन ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है ऑफ़ हो जाएगा और उस ऑटोमेटिकली फिर से फ़ोन जो है चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद देख लेंगे हमारा जो FRP है वो प्रॉब्लम रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, आप नॉर्मल अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हमारा फ़ोन यहाँ पर अभी चालू हो रहा है, हम देख लेते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था FRP वाला वो रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना फ्रेंड। तो अभी अभी यहाँ पर देखो तो हमारा फ़ोन चालू हो रहा है। तो फ्रेंड अभी तक फ़ोन चालू हो रहा है, अभी तक आपने मोनू मोबाइल रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसी के नीचे में आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सिंपली उसको क्लिक कर देना है। उसी के साथ में एक बेल आइकन आ जाएगा, आपको उसको ज़रूर से प्रेस करना, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाएगा और उसका लाभ सबसे पहले आप उठा पाएंगे। चलिए देख सकते हैं हमारा फ़ोन चालू हो चुका है, ठीक है। तो फ़ोन को हम हाथ में ले लेते हैं, यहाँ पर सिंपली देखते हैं फ़ोन चालू, यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। तो अभी मैंने नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर लिखा जा रहा है आपको जो 2 मिनट वेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर चेकिंग इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो ये कनेक्शन कर रहा है, मतलब ये जो मैंने ईमेल आईडी डाला वो अभी चेकिंग कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 मिनट का टाइम दिया गया, फिर भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको जो है वेट कर लेना है फ्रेंड। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही, कोई बात नहीं भाई, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ चुका है, देखो यहाँ पर अकाउंट एडेड लिखा हुआ गया, ठीक है। जो मैंने अकाउंट डाला था वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे सिंपली यहाँ पर फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और वेट कर लेना है आपको, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करना, और इसके बाद यहाँ पर भी और भी यहाँ पर जो देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन अभी हाइड है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, वैसे टाइम लगता है भाई थोड़ा सा। आपको अगर आप किसी शॉप पर जाते हो खुलाने के लिए आपको 200-250 रुपया लग जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं अभी आपको फ्री में बता रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। मैं अगर ये चाहता तो अपने PC से भी कोई भी टूल से या कोई सॉफ्टवेयर से अनलॉक कर सकता था, पर मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप लोग फ्री में खोलना चाहते हो तो कैसे खुल जाएगा। मैंने एक भी सेटअप आपके से वीडियो को थोड़ा सा भी पॉज नहीं किया, पूरा का पूरा क्लियर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पर जस्ट ए सेकेंड लिखा हुआ ऊपर में आ रहा है, और यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग चल रहा है लाइनिंग की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट आपको कर लेना है। तो फ्रेंड मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिपेयरिंग से रिलेटेड हर चीज़ लेके आता रहता हूँ, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर फ्री में सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर मैं वेट कर रहा था। जैसे ये प्रोसेसिंग हट जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन या तो स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर अभी कुछ भी काम नहीं करेगा, ये हाइड है, ब्लैक नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है पूरा, ये हाइड है अभी, ठीक है। तो उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी कुछ कर भी नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो ऐसा ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली आपको नॉट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपने फ़ोन में कुछ स्क्रीन लॉक रखना चाहते हो नहीं, तो यहाँ पर टिक मारा हुआ, इसको हम अनटिक कर देंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर स्किप कर देंगे, उसके बाद स्किप एनी वे पे क्लिक करेंगे, और फिर से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है देखो। तो फिर से यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा यहाँ पर, बहुत ही जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा लेता है, तो अभी यहाँ पर हो ही रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट और कर लेना, देखो यहाँ पर ही आ गया, यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पर गो इट पे क्लिक कर देना, ठीक है। देखो FRP पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है। उसके बाद में मेन्यू में चले जाते हैं, और आपकी इसके सेटिंग में सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रहा, सेटिंग अभी भी नज़र नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर करता हूँ, और यहाँ पर जो है इसके सेटिंग के ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके अबाउट फ़ोन में जाके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अबाउट फ़ोन में क्या, इसका जो मॉडल है आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था आईटेल का मॉडल है, यहाँ पर देख तो आईटेल A4141 है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर A41, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।